आज हम जा रहे हैं फन सिटी, और ये फन सिटी नहीं, फन सिटी नहीं है, ये सेंट जोसेफ है। सो हे गाइस, व्हाट इज अप। सो गाइस, अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे नैनीताल, और हमने वहाँ घूमा सेंट जोसेफ कॉलेज, और हमने वहाँ थोड़ा बहुत वीडियोस बनाया, तो मैंने उनको कंपाइल करके एक वीडियो में डालने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। सो लेट्स गो गाइस। गाइस, अभी मैं सेंट जोसेफ आया था, मुझे एक ग्राउंड मिला, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा सरिया आगे करके आ रहा हूँ, वहाँ दूसरा दिख रहा है। अभी इधर आऊंगा, इधर भी वहाँ भी है, यहाँ लोग फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे भी है। कितने है टोटल ग्राउंड? सात 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 ग्राउंड विद ये सेंट, वो सेंट क्लिप्स है, क्लिप्स भी है, सेंट क्लिप्स। मतलब इतने में अगर मतलब गेट से एंट्रेंस तक ही मैं थक गया, और ये तो अभी शुरू है। बाकी उस पर दो ग्राउंड और हैं, वो उस साइड जाके देखेंगे भाई। चलते हैं सेंटर से, चलते हैं। और ये स्कूल है भी नहीं पूरा, पता है? स्कूल तो पीछे इसके। क्या देख रहा हूँ मैं, अभी वहाँ चलना। ओ ये इन्होंने कुछ मिसाइल जैसी बनाने की फिक्र है ना क्या? ये लोग अक्सर नाते रहते हैं भाई, मजेदार है यार। सो जिस दिन हम लोग घूमने गए थे, उस दिन मेरे को बहुत ही जोरों से विजडम टूथ का दर्द हो रहा था, तभी मैं थोड़ा अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, और पूरा का पूरा वीडियो मेरे कज़न ने ही रिकॉर्ड और नरेट किया है। सो थैंक्स टू हिम। और अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा, सो रियली सॉरी। ओपन जिम भी है, ये हॉस्टल जैसे नहीं लग रहा? ये स्टाफ क्वार्टर्स है। ओ भाई, वो स्क्वाश कोर्ट्स हैं, दो स्क्वाश कोर्ट्स, वही हल्की हल्की होटल लगी है। चलिए पहले ओपन जिम में कुछ करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। याद है कंप्यूटर बंद करके बास्केटबॉल खेला, डांस सिखाते थे ना, फिर तो हमने बैंड ज्वाइन कर लिया था, तो सब लोग सबको यहीं पे बैठना होता था इसी जगह। हाँ, अबे मैं तो कंप्यूटर क्लास बंग मार के आता था खेलने, एक दिन उससे फोटो खींच ली मेरी कि ये बच्चा तो कंप्यूटर का है, ये फिजिकल में क्या कर रहा है। उस दिन नया नया आया ठहरा वो टीचर। चल दिव्यांशु मार दे। क्या बात कर रहे रे बाबा, दिखा दे। ओह अरे भाई भाई भाई, ऐसी है बना रहा हूँ। अभी अब GT5 आराम से। चलो सेम क्लिप्स चले, सेम क्लिप्स बहुत सुंदर है। उसके लिए सब ऑफिशियल आया होगा ना, वो वही तो बन गया सेम क्लिप्स को मॉडिफाई कर दिया। ग्राउंड में घुस जाता था बच्चे, बच्चों ने यार बच्चों ने ऐसा नहीं, कुछ बाहर से आर्ट दिया जो हमारे आर्ट वाले टीचर। ये सेम क्लिप्स की स्टार्टिंग है। वो एरीज है, वो हनुमानगढ़ी है। विशु तू वहाँ बैठ, तेरी फोटो लूँ। यही बैठ जा, यही बैठ जा। इधर देखो, इधर देखो, कितनी सही आ रही है। चलो आगे भी देख के आते हैं। टाइम टाइम हो रहा है अभी तो 12:12।
तुमने तो खूब सारे फूल उगा दिया यार। अरे क्यों नहीं बचाना, हम तो पास आउट है। मैं 12th में तो अभी इसी साल पास आउट हुए सेम से। हाँ अच्छी बात है यार, अच्छा कर रखा आपने। आप हाँ वो ये भी पास आउट है, ये गार्जियन हमारे, मेरा बड़ा भाई है। हाँ लोकली हम। भैया हम YouTube में डालेंगे, अपनी शक्ल दिखाओ। भाई भैया ने कितना सही बना दिया वैसे। मेहनत बहुत यार इसमें। भाई बहुत मेहनत होती है, मेरी मम्मी करती है ना फूल पेड़ों का। हम मेरी मम्मी तो जापानी फूल मंगाने की सोच रही, पता नहीं कहाँ से मंगाई। भाई कितना प्यारा बना रखा है, कितना सुंदर। चलो यहाँ से घूम के चलते हैं, वहाँ बनाते हैं, वहाँ और बनाते हैं। बाथटब भी है, लॉकडाउन का कमाल है। हाँ कोरोना चला ना उस समय, काफी सही बनवा दिया है। पानी मत गिरना। बेस्ट स्कूल राम। वो दिव्याचू सोने की जगह मिल गई। लेकिन ये रिलायबल नहीं लग रहा मुझे इतना, तो इसमें हम लेटेंगे नहीं। वो गिरना मत पानी में, गिरा तो स्लो बन जाएगा। चलो कौन नहाएगा पहले, कौन जा रहा है? फ्रेंड्स पहले आप नहा रहे हो? हाँ उसको मैंने देख लिया था, लेकिन उसका रिलायबल नहीं है। ये आप भी क्यों रखे हो? आई गेस नहाने के लिए। भाई क्या है ये? भाई इसके अंदर क्या होगा मुझे लगता है। तो मिल ले एग्जस्ट में इसको पकड़, मेरी वीडियो रहा। चल तुम ना पकड़ो। स्कूल में बाथ टब लगा यार गार्डन में, मजाक हो रहा है, कहाँ गया मैं? गर्मी के लिए बेस्ट है वैसे, इसमें पड़े रहो। इसमें तो रोज ऊपर से व्यू अलग एंजॉय करो। रोज वाटर से खुशबू आ रही है इस पानी में, देख। अबे हाँ सुन उस पानी को, जैसे फूल पौधों से निकल रहा लग रहा है पानी। ओ भाई हाथ गर्म होता है, अच्छा लग रहा है। देखो देखो मैं भी करूँगा। और ऊपर से खुशबू अलग आ रही है हाथ में। ओ वाह ये ठंडा कैसे हो रहा पानी भाई, ठंडा कैसे हो रहा थी गर्मी में? ये भरने में लगा था। मैं बस सोच रहा स्कूल में मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब वो लेसन ज़्यादा कर दिया। डू नॉट गो बियॉन्ड दिस। कितनी जाएंगे हम, हमारी मौत यहीं दिखी है। अब एक बर्ड नेस्ट के लिए होगा। आई नो एक बार हम लोग यहाँ बैठते थे जब ये बना नहीं था ना सेम क्लिफ्स, तो ये पत्थर बैठते थे हम, याद है विशु? जब सेम क्लिफ्स नहीं बना था, जब बहुत बड़ा तो ये पत्थर बैठते थे। हाँ ये सुसाइड पॉइंट था। मैं यहाँ से नीचे चला गया था, याद है दिव्यांशु? मैं यहाँ से नीचे चला गया था जब सियाल गया, जब ये बना नहीं था तो मैं इसके यहाँ से नीचे चला गया था। फिर ऊपर बड़ी मुश्किल से आया भाई, मेरे को 15 मिनट लग गए थे। एक पत्थर होता ना 15 मिनट चढ़ने में, उतरने में 5 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे, चढ़ने में 15 मिनट साल लग गए। स्कूल में ही तो वैसे अपने क्रश के साथ डेट कर सकते हो, प्लान माहौल है तो जमा का। यहाँ तो हम आते थे, हमें पता है कैसा दिखता है हमसे। हल्द्वानी के 5-6 स्कूल भी मिलेंगे ना, ऐसा नहीं बना पाएंगे। वो हमारा स्कूल है उतना दूर। फीस भी तो हमसे ही ले अभी। बताइए ये मेंटेन रहेगा? अबे वो भाई वो गार्डनर इतना मेहनत कर रहा है भाई, क्या कह रहा था? अभी भी मेहनत कर रहा कि 20 बच्चे फेल हो गए। वो 20 बच्चे कौन होंगे सोच रहा हूँ। तो छोड़ा होगा, देखा कि इतना उगाने के बाद गार्डनर है फिर लगे, मतलब वो और बेहतर बना दे, इससे बेहतर भी हो सकता है। इसका तो स्कूल लॉग बना सकता है। आपका क्रश है, आपका हो गया बात, वहाँ डेट प्लान हो जाएगी। और गार्डनर अच्छा इंतजाम, अभी काम करते हैं यहाँ से फोटो खींचेंगे और गार्डनर दिव्यांश की बैठ भी है, बस क्रश का इंतजार। ठीक है मैं वाइड एंगल लेंगे, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, रुक जाओ। पापा की गाड़ी का टायर निकाला, सेंट्रो का टायर निकाला और उसको पेंट करके पापा बाई वाली बाइक लेके जाओ। बाइक का भी निकाल दिया, एक बाइक का एक उसका अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ये बैकयार्ड टाइप का है, यहाँ शायद थोड़ा। अभी यहीं तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था दिव्यांशु,
इधर ही तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था शायद, इधर भी हुआ था, पूरा पूरे एरिया में ही हुआ था वहाँ पे। ये बाघ से बचने के लिए बना रखा होगा उन्होंने ना एक वैसा सेफ एरिया टाइप। दर्द भूल गया था। मैं रात को क्यों होगा यहाँ, बाघ बैठता होगा रात में, वो मजे करता होगा तैरता होगा। तो अब सेम क्लिफ से वापस जा रहे हैं और तो सही लग रहा है। अरे कितनी मेहनत, कितनी ज्यादा मेहनत। इधर बैठ के भी खिंचा सकते हैं हम, लेकिन वो एक आइडिया मेरे पास। हाँ बैठ बैठ बैठ, तुम दोनों बैठो फिर मैं आ जाऊंगा टाइमर लगा के। अबे टाइमर लगा दूंगा, अबे फोन रख। स्टाफ क्वार्टर्स के बाहर से ये स्कूल का ग्राउंड और बच्चे ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं भाई मुझे। बच्चे बैठे हुए ऊपर, वो स्क्वाश कोर्ट्स हैं, दो स्क्वाश कोर्ट्स हैं और ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये एक ग्राउंड है, एक मेन ग्राउंड ऊपर है जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो स्पोर्ट्स वोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। तो अब बाकी टोटल शायद 7 ग्राउंड है या 6 ग्राउंड है, मुझे याद नहीं है। तो अबे ऐसा लग रहा है टेक ऑफ करने वाली धुआं। हाँ धुआं भी आ रहा है टेक ऑफ करने वाली। ये स्क्वाश कोर्ट है, यहाँ पे सब म्यूजिक सिस्टम या कुछ फालतू सामान रखा रहता है। स्कल्पचर रूम है, स्कल्पचर रूम। ये स्क्वाश रूम्स है, यहाँ खेल है क्या कोई? अभी तो खाली है। अरे बंद होंगे, बंदी थे हमारे टाइम में, बंदी थे भाई। अबे यहाँ पे देख विशु, ये फोटो या फिल्म मेकर जो भी था भूल गया मैं भाई। ये बाहर देखो बता विशु कितना पुराना है। ये हमारे म्यूजिक रूम में रखा हुआ है। इसका नाम है कुछ वेस्टेक्स 14 करके, एंड इसको देख के पता लग रहा है भाई ये बहुत पुराना है, कुछ ज़्यादा ही पुराना है भाई। ये मेरी हाइट से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे स्क्वाश कोर्ट्स हैं, दो कोर्ट बने हैं स्क्वाश कोर्ट के, और जो स्क्वाश कोर्ट का जो बेस है ये भी आएगा, ये जापान से मंगाया था ना इन्हें, ये जो बेस वेस सब मंगाया था। हाँ नहीं बंद हो गया, अरे मेरे टाइम में बंद ही था। सेंचुरी का 35mm सिनेमा प्रोजेक्टर है, लेकिन इतना ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर दिखाता होगा पहले से, बच्चे बॉडी में होंगे ना। हाँ भाई इसका मतलब बहुत पुराना होगा, 1800-1900 20 सेंचुरी मतलब 1950 का है। हाँ 1950 का होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती होगी यार। ये बहुत पुराना प्रोजेक्टर है, और इसमें आए के जो सैम के बहुत पुराने एलुमनाइज रहते होंगे 1950s में, 1960s में, 1930s में, उनको इससे मूवीज दिखाई जाती होगी। तो मुझे लगता है जो उस समय पेट्रियोटिक वीडियोस दिखाते होंगे या फिर प्रोजेक्टर में बच्चों को उस जमाने में, तो इसी से दिखाते होंगे। ब्रेक हो गया, बच्चे बाहर आ गए, एंड भीड़ में मैं अब जाने नहीं वाला हूँ, तो यही से चलते हैं दूसरे ग्राउंड से, यहीं से चलते हैं। हमारी इन्फर्मरी है, इन्फर्मरी इज़ हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल। हाँ कोई इंजर्ड है या उसके कुछ, हमारा ऑफिस में नहीं होता सारा काम। नहीं नहीं हमारे निर्मल ऑफिस में ही पुदीन हरा खिला देते हैं, बेचारे का सर दर्द हो रहा, पुदीन हरा खिला रहा कुछ। तो ये हमारा इन्फर्मरी है, और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता एक, और ये दो ग्राउंड और है, जो तीन ग्राउंड और है, सॉरी वो है मैट, ये सब मैट्स हैं, ये सब मैट्स लगी उधर वाली ग्रास है, ये ग्राउंड है ना। हाँ ये तीन ग्राउंड और है, एक ग्राउंड ये है, इस ग्राउंड को बहुत मतलब समझ लो ना के बराबर यूज होता है, क्योंकि इतने ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट स्कूल में। एंड ये एक ये क्या है, ये स्पोर्ट्स के टाइम में आएगा, बहुत इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है भाई इस्तेमाल, यहाँ पे कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। तो गाइज ये मेन कॉलेज फ्रंट है, यहीं पे हमारी कंप्यूटर लैब थी थोड़ा आगे जाके, यहाँ पे ऋतिक रोशन को बेदखल करके गाली दे के निकाल दिया गया था, और यहाँ से सेंट मेरीज दिख रहा है।
अभी लंच ब्रेक चल रहा है तो बहुत खराब किस्मत है हमारी, क्योंकि बच्चों की भीड़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, एंड वो भी हिस्सा कवर नहीं हो पाया कॉलेज फ्रेंड ने, बट कोई बात नहीं, अब देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे वाला सीन था, यहाँ पे वाला था जब उसे कंप्यूटर वाला कहता है, जा अपने बाप से बोल कंप्यूटर सीख क्या। मैं अपने पापा के जैसे बनना चाहता हूँ। तो फिर जाओ और अपने बाप से आकर सीखो। वही वो कौन सी क्लास थी जहाँ से ऋतिक रोशन को निकाला था? आई गेस यही कहीं क्लासरूम थी जहाँ से ऋतिक रोशन को निकाल दिया था। And then he came here and then he said, जो बाहर रोने नहीं आता है यहाँ पे स्टेडियम में रोता है। एंड ये हमारे सर हैं, कंप्यूटर सर थे, सब व्लॉगिंग फॉर यूट्यूब। हाँ सर, सर यूट्यूब में डालूंगा स्कूल का प्रमोशन। ये हमारी कंप्यूटर लैब थी एंड रौतेला सर के अंडर बहुत मजे करे हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये हमारे डिगामा सर हैं और डिगामा सर भी आ गए। डिगामा सर आप कौन से साल से पढ़ रहे हैं स्कूल में? सर हमने मतलब कौन से ईयर में? I joined 1995 St. Joseph's College. सर बहुत पुराने हैं सर। इसी 95 you passed from this? No, no, no. I joined as a teacher. I joined as a teacher 1995. भाई। And I joined as an ICS Informatics Computer System. सर आप यहीं से पास आउट है ना? No, no, no. I am from St. Joseph's College Bobazar, the first CCBI school in India. Okay. फिर आप यहाँ पे आए टीचर? It's been almost 28 years since you have joined. हाँ सर, बहुत पहले के टीचर हैं एंड इतने साल उन्होंने पढ़ाया है, इतने बैचेस देख लिए सर ने जाते जाते। The senior teachers are myself and Mr. Bhatt. हाँ now at the moment. हाँ बहुत साल हो गए यार, बहुत साल। राकेश थैंक यू वेरी मच सर, सब व्लॉगिंग कर रहे थे यूट्यूब पर डालने के लिए। भाई लंच ब्रेक चल रहा है, बच्चे सारे बाहर आ गए, चलते हैं भाई वापस चलने। वापस चल रहे हैं एंड स्कूल की एक और जगह जिसका अखबार में भी आया था एक्चुअली, ये थोड़ा सा हॉगवर्ड्स वाली फील देने के लिए बनाया द टनल। एंड यहाँ पे क्राफ्टिंग वगैरह होती है, लाइट क्या बोलते हैं तो ये हमारे स्कूल का टनल है। ये है प्रोजेक्ट जो बच्चे, हाँ तो यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं एंड थोड़ा क्राफ्टिंग वगैरह काम ज्यादा होता है, फाइन आर्ट्स में भी। यहाँ पे द टनल लिखा है, तो ये एक और जगह यहाँ पे ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट उठाता था, यहीं पे सारा क्राफ्ट वर्क वाला काम होता है। उधर इक्विपमेंट है बस, अब देख ले भाई यार, मैं कहाँ आ गया, छोटा मैं तो हॉगवर्ड्स ही लग रहा थोड़ा थोड़ा। ये कितना ठंडा हो रहा है वैसे ना, ये कमरा कितना अच्छा हो रहा है भाई, ये कमरा ऐसा हल्द्वानी में आ जाए ना भाई। भाई ये लाइट, ये एक स्ट्रोब लाइट, स्ट्रोब लाइट, ये लाइट भाई जगह ठंडी है वो। हाँ ये लाइट थोड़ी ये आपके लिए है, तो लाइट आई गेस खराब हो रही है बट। और गाइस हमारे आ गए हैं ये हमारे हैरी पॉटर के छोटे देवता, डंडे की जगह तलवार बनाते हैं यहाँ पे ढेर सारी। मुझे लगता है रामायण से तलवारें यहीं से जाती होंगी। भाई वो भाई ये भाई देख, ये वो मुशाशी की सिमोट मेरे। अरे भैया बैट का ग्रिप निकाल के ना। अभी देखो हमने क्लासेस नहीं दिखाई, पता है क्लासेस हमारी ऐसी थी कि क्लासेस के लास्ट पे खिड़कियों में ना इतना बड़ा गैप होता था आगे से, लड़के पर्दे वर्दे लगा के वही बंक मारते थे आगे क्लास के अंदर ही बंक मार रहे हैं। वो जो लेज होता ना, वो टीचर को पता ही नहीं होता था कि वहाँ बंक कर रहे हैं बच्चे टाइप का ना, वो सो जाते थे पीछे आराम से बैग लगा के चार लड़कों के,
और ऐसा था ना, हमारे क्लास के बहुत मतलब बहुत सीनियर टीचर, बहुत एक्सपीरियंस टीचर वर्मा सर, वो IIT से पढ़ के आए हैं। तो ऐसा होता था मैं सबसे एंड में बैठता था, और क्लासेस इतनी बड़ी थी हमारी कि वहाँ से ना आगे क्या लिख रहा है टीचर और क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं देता था आधे टाइम, तो समझ ही नहीं आता था। तो मैं सर ना लास्ट बेंच में बैठता था, मैं नींद आती थी, मैं सो जाता था, तो मैं सर ने सोने की कोशिश करा था ऐसा तक के। तो वर्मा सर नोटिस कर लेते थे बहुत इजीली मुझे, लोनी ऐसे था, मैं हिला नहीं, लोनी मैं नहीं हिला, पास तो गल सर पैसा देख रहे लोनी मैं ड्राइंग बना रखी है मैंने हेलो किटी पांडा